शुभोदय, मेरा नाम एमएम अब्बास, हिंदी रिसोर्स पर्सन केंद्रीय कार्यालय। मैं आपको सातवीं कक्षा का प्रश्न पत्र और उसका विवरण देना चाहता हूं। देखिए, कक्षा सातवीं कक्षा विषय हिंदी, पाठ का नाम कौन, दिनांक 18/6/2020, समय 30 मिनट, अंक 10 है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र पहला भवन है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए। यहाँ 5 व्याकरण संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, हर एक के लिए 1 अंक है, कुल 5 अंक है। पहला प्रश्न है, न्यारा शब्द का अर्थ क्या है? न्यारा शब्द का अर्थ है अनोखा, इसका उत्तर है बी। दूसरा प्रश्न, नदी शब्द का बहुवचन शब्द क्या है? नदी एकवचन है, उसका बहुवचन है नदियां, उसका उत्तर सी। तीसरा प्रश्न, भारत, नेपाल, अमेरिका, कृष्णा, बेमेल शब्द क्या है? इसमें बेमेल शब्द एक है, वो क्या है? यहाँ पर देशों के नाम 3 है, यह कृष्णा नहीं है, ये बेमेल शब्द है, इसका उत्तर है बी। चौथा प्रश्न, प्यारा शुद्ध वर्तनी, यह शब्द गलत है, अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी क्या है? प्यारा नहीं है, प्यारा, इसका उत्तर है ये। और देखिए पांचवा प्रश्न, मेरे पास 10 पैसे हैं, वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? यहाँ पर देखिए मेरे सर्वनाम शब्द है, यहाँ उसका उत्तर है ये। और दोमा रोमन, दूसरा रोमन में चलते हैं, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वहां पर एक पद्यांश दिया गया है, वह पद्यांश इस प्रकार है, ऊंचे शिखर वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने जैसे, सोने चांदी हीरे जैसे फसले वाला भारत देश, ऐसा वहां पर दिया गया है। वह उसके वो पद्य के नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक प्रश्न के 1 अंक है, कुल 5 अंक है। पहला प्रश्न देखते हैं, वह कैसा शिखरों वाला देश है? कैसे शिखरों वाला है? ऊंचे शिखरों वाला देश है, ऊंचे, उसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न, इस देश की नदियां कैसी हैं? इस देश में, हमारे भारत देश की नदियां कैसी हैं? चंचल, चंचल नदियों वाला देश, वहां पर दिया गया है, उसका उत्तर है चंचल, चंचल। तीसरा प्रश्न, यहाँ की फसलें किसकी समान है? पद्य में दिया गया है, यहाँ की फसलें होते हैं, अनेक प्रकार के फसल हैं, किसके समान है? सोने जैसा, चांदी, हीरे के समान है। और देखिए चौथा प्रश्न, इस पंक्तियों में किस देश की बात की जा रही है? वहां पर दिया हुआ पंक्ति में किस देश के बारे में बताया गया है? भारत देश के बारे में।